अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिलावर अली अजीमी। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये बताएं कि डिजिटल बिजनेस से मिलियनर बनने का क्या फार्मूला। देखिए, किसी भी बिजनेस से मिलियनर बनना जो है ना, वो आपकी सलाहियतें, लक और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूँ ई कॉमर्स से, तो ई कॉमर्स के अंदर मिलियन का मतलब ये है कि अगर आप 10% का प्रॉफिट भी अगर आप कैलकुलेट करें और आप मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स दैट आपको सेल्स कितनी करनी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फ्रीलांसिंग से आगे बढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि जी फ्रीलांसिंग के मेरा बिजनेस कन्वर्ट हो जाए किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी डिजिटल एजेंसी में, और मैं उससे मिलियन डॉलर्स को जो है वो प्रॉफिट जनरेट करूं, तो कितने बड़े स्केल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा आप सोच सकते हैं। तो उसके लिए आपके अंदर सलाहियतें कितनी हैं, कितना आप ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कितना आपके पास कैपिटल को हैंडल कर सकते हैं, फाइनेंस को हैंडल कर सकते हैं, ये बंदे टू बंदा कैपेसिटी होती है। एक नॉर्मल बंदा, देखिए मैं सिनेरियो पकड़ता हूँ, एक बंदा है जो कि ऑलरेडी बिजनेस से मिलियंस ऑफ रुपीज बनाया हुआ है, अब वो डिजिटल बिजनेस में आता है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे, उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी होंगे, उसके पास फंड्स भी होंगे, लोग होंगे, रिसोर्सेज होंगे। या एक बंदा है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, उस वहां पे उस ऑलरेडी अच्छे पैसे बना चुका है, यूके में बैठा अच्छे पैसे बना चुका है, अब वो इस बिजनेस में आ रहा है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे। एक पाकिस्तानी नौकरी पेशा बंदा जो कि इस बिजनेस को शुरू करने लगा है लेकिन अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको अपनी फैमिली को भी फीड करना है, अभी उसकी किचन इनकम डिजिटल पे नहीं है, तो वो मिलियनर बनने का ख्वाब अभी नहीं देखेगा। वो सबसे पहले ही टारगेट करेगा कि मैं कैसे अपनी किचन इनकम को शिफ्ट करूंगा डिजिटल बिजनेस में, लाइक मैं कैसे 1,000-2,000 डॉलर जनरेट करूंगा। उसके बाद उसके पास क्या प्रोडक्ट आती है, क्या सर्विसेज आती है, स्केलेबिलिटी के क्या चांसेस हैं, अपनी सलाहियतों को कंटिन्यूसली बिल्डअप करते हुए वो देखेगा कि क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, कैसे वो कोलैबोरेट कर सकता है, कैसे वो अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर सकता है, कैसे वो पार्टनरशिप्स कर सकता है, और वो अपना रास्ता बनाएगा। एक बंदा जो कि पार्ट टाइम से ये बिजनेस शुरू कर रहा है और अभी उसके पास इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है, तजुर्बा भी कोई नहीं है, कारोबार का भी कोई तजुर्बा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करने का तजुर्बा कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े वाली बात होगी कि अगर वो बोले यार कि मैं 6 महीने साल में मिलियनर बन जाऊंगा। डिजिटल के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे फला बंदा है वो 6 महीने में उसने फला गाड़ी ले ली, उसने डिफेंस में इतने का बंगला ले लिया, तो ये कैसे लिया होगा। देखिए, वो जो 6 महीने हमें नजर आ रहे होते हैं ना, उसके पीछे उसके सालों की हिस्ट्री होती है। कोई बंदा सालों से 15-15 साल से वो जॉब कर रहा होता है, अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है, देखो 21 साल का मेरा भतीजा बंदा है वो इतने पैसे बना रहा है। उस 21 साल के लड़के के पास क्या सलाहियतें हैं, सलाहियतें उम्र देख के नहीं आती। लोग ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे गेम्स बना लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी बना लेते हैं जिनके ऊपर जो है वो मिसाल एंग्री बर्ड बनी थी, तो शायद उसके 2 मिलियन यूजर्स उसके 1 महीने में हो गए थे। तो अब इस तरीके से आइडियाज होते हैं जो लोगों के पास होते हैं, आइडियाज किसी की ना एज पूछते हैं ना उसके रिसोर्सेज पूछते हैं, और वो उसे कोट कर जाते हैं। तो ये चांसेस की बात है। फिर डिजिटल बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो कि लिजिटिमेट नहीं है, और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे डिजिटल बिजनेसेस हो रहे हैं जो इललिजिटिमेट हैं और उसके अंदर इखलाकी तकाजे भी पूरे नहीं होते, मजहबी तौर पर भी ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। आपके सामने अभी एक नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके ऊपर FIA के छापे पड़े और सब कुछ हुआ, कच्चर से बंद रही, फिर वो ऑपरेट कर रही है। उस वहां से बहुत सारे लोग निकले पाकिस्तान में और कराची में बिलखसूस, वो सेम बिजनेसेस कर रहे हैं, देर मेकिंग हेल अमाउंट ऑफ मनी। वो एक बिल्कुल अलग बात है कि अगर आप ये बोलें कि यार मैंने डिजिटल चोरी करनी है, डिजिटल दगेती करनी है, तो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। इसके अंदर बैटिंग है और बहुत सारे दीगर जरा हैं। जेन्युइनली अगर आप काम करना चाहते हैं और जेन्युइनली अगर आप चीजों को देखना चाहते हैं, तो आपको कोई का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी लिविंग्स को इस बिजनेस में शिफ्ट करें ना। मुझे समझ में नहीं आता कि एक बंदा है जो बोलता है जी मैं तो डिजिटल जो है वो एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन मैं मेरा जो घर चलता है वो मेरे दुकान से चलता है या मेरी जॉब से चलता है। भाई, तो आप पहले तो अपनी लिविंग को अपने डिजिटल पे लेकर आओगे ना, उसके बाद फिर आप उसको स्केल करोगे। तो ये सब कुछ है और स्कोप ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा मिलियन डॉलर बनाना चाहता है तो उसको 20 करोड़ रुपए लगते हैं, जो कि पाकिस्तान में एज अ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको पता है कि कितनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, और
उसके बरक्स जब आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक्चुअली आप यूएस में या यूरोप में काम कर रहे हैं, तो करेंसी आपको वहीं की करेंसी में अपने पैसे कमाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे वो लोग जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो लगता है कि भाई बहुत पैसे बना रहे हैं, वो बहुत इसलिए हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान में पहुँच के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।